दोस्तों, स्कूली शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। ये विशेष खबर भोपाल से निकल के आ रही है। देख लेते हैं क्या है विशेष खबर में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। स्कूल शिक्षा विभाग की नई नीति, तबादलों से पहले रिक्त पदों पर होगा अतिथि शिक्षकों का समायोजन। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। स्कूली शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, लेकिन विभाग द्वारा अध्यापक संगठन की मांग मानते हुए तबादलों के पहले रिक्त पदों पर अतिशेष शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है। राजधानी में जिला शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्राचार्य से आज शाम तक उनके संकुल में अतिशेष शिक्षकों की संख्या और रिक्त पदों की स्कूलवार जानकारी तलब की है। विभिन्न जिलों में इसकी सूचियां तैयार की जाकर लोक शिक्षण सचिवालय को भेजी जाएगी। इसके बाद तबादलों से पूर्व स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिशेष अध्यापकों का समायोजन किया जाएगा। विदितों की स्कूली शिक्षा विभाग में 1.84 लाख अध्यापक है, जिन्हें राज्य शिक्षा संवर्ग में शामिल किया गया है। अध्यापक संगठन लंबे समय से तबादले की मांग कर रही। स्कूली शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति जारी करते हुए सरकार ने इस वर्ष 24 जून से 5 जुलाई तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया है। स्थानांतरण के लिए आवेदन की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है, जिसमें आवेदक को एक जिले से दूसरे जिले में आवेदन के लिए 20 चॉइस फिलिंग की सुविधा दी गई है। पोर्टल पर विभिन्न जिलों में रिक्त पदों की सूची दर्शाई गई है, जिसमें अपनी पसंद के अनुसार आवेदक 20 स्थान चयन कर सकता है। इसमें महिला कल्याणी और विकलांग को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर सहित अन्य मध्यम शहरों में बड़ी संख्या में शिक्षक अतिशेष हैं। अध्यापक संगठन मांग कर रहे थे कि तबादला करने से पहले लंबे समय से एक ही शहर अथवा जिले में पदस्थ अतिशेष घोषित किए गए शिक्षकों को रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। इस संबंध में विभागीय मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी को ज्ञापन सौंपे गए थे। कर्मचारी संगठनों की मांग पर अब तबादले के पहले अतिशेष शिक्षकों के समायोजन की कार्यवाही शुरू हो गई। भोपाल सहित विभिन्न जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों ने संकुल प्राचार्य से अतिशेष शिक्षकों के साथ ही संकुलों में रिक्त पदों की जानकारी मांगी। परीक्षण के पश्चात यह सूची DPI को भेजी जाएगी और वहां रिक्त पदों पर अतिशेष शिक्षकों के समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद ऑफलाइन आवेदनों का अंबार लगा है। स्कूली शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की। इसके बावजूद मंत्रालय और लोक शिक्षण सचिवालय में ऑफलाइन आवेदन का अंबार लगा हुआ है। प्रमुख सचिव कार्यालय में 5,000 से ज्यादा आवेदन अभी तक पहुंच चुके हैं, जबकि लोक शिक्षण सचिवालय में कई गुना ज्यादा आवेदनों का अंबार लगा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि शिक्षक संवर्ग तृतीय श्रेणी कर्मचारी है, जिनके स्थानांतरण आयुक्त कार्यालय से किए जाने, इसके बावजूद विभागीय मंत्री और अन्य माननीयों को नोट शीट तथा पत्रों के साथ आवेदन का ढेर लगा हुआ है। ये व्यवस्था लागू करने से संगठनों ने जताया है आभार। तबादलों से पहले रिक्त पदों पर अतिशेष शिक्षकों के समायोजन की व्यवस्था पर अध्यापक संगठनों ने शासन का आभार जताया है। अध्यापक संगठन के संयोजक उपेंद्र कौशल के मुताबिक इस नई व्यवस्था से एक ही शहर में लंबे समय से पदस्थ शिक्षक को अतिशेष की स्थिति में रिक्त पर पोस्टिंग मिल सकेगी। दोस्तों, ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए पोर्टल पूर्ण रूप से चालू हो गया है। सभी अपने अपनी कार्यवाही पूर्ण करें, जैसे प्रिंट निकालना, लॉक करना और घोषणा पत्र आदि सभी ऑप्शन चालू है। दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।